चंडीगढ़ के नामी इकोनॉमिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट माई ट्री एनजीओ के संस्थापक सीए प्रेम गर्ग ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्रीन चैनल के माध्यम से देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने का रोड मैप देश के सामने रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही प्रेम गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करके इस रोड मैप की जानकारी भी लाइव शेयर की। प्रेम गर्ग की हमेशा कोशिश रही है कि वो इकोनॉमी को पर्यावरण से जोड़कर ना सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ठोस और बेहतर रोड मैप तैयार करें, बल्कि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ पर्यावरण से किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है वो भी देश को बताएं। प्रेम गर्ग ने अपने इस रोड मैप में भी यही दिखाने की कोशिश की है। ये जो मैंने इकोनॉमी का मॉडल पेश किया है, ये ग्रीन वे टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इससे क्या हम नेचर के साथ बिना खिलवाड़ के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पे पहुंच सकते हैं और हर साल कम से कम 20 लाख फैमिलीज को रोजगार दे सकते हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि 10 से 20 हज़ार रुपया, हम एक फैमिली को 4-5 लाख में साल की इनकम इसमें हो सकती है, क्योंकि एक फैमिली अगर साल में 500 पेड़ लगाते हैं और एक पेड़ की इकोनॉमिक वैल्यू 1,000 रुपये है तो साल में 5 लाख रुपये एक फैमिली को मिलते हैं। और अगर 100 करोड़ पेड़ हम हर साल लगाते हैं तो 20 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपये हर साल की इनकम होती है, और वो सारी उम्र के लिए होती है, इवन अगली जनरेशन के लिए होती है, क्योंकि एक पेड़ की जो लाइफ है वो 100 साल 50 साल 70 साल होती है। और इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन को इनकम का एक सोर्स अपना बन जाता है। और 100-500 पेड़ लगाने एक फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा पिछले साल इसी साल 12 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट ने एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लगवाए। अगर एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लगते तो सारी जनता देश की एक साल में 100 करोड़ पेड़ क्यों नहीं लगा सकती। सर पेड़ों से इनकम कैसे है? पेड़ों से इनकम देखो, पेड़ से इनकम कितनी होती है, फल जैसे फलदार पेड़ या इकोनॉमिक वैल्यू वाले पेड़ मैंने बताए हैं, जैसे एक आम का पेड़ है उससे आम निकलेंगे, ठीक है, आम की आगे ट्रांसपोर्टेशन होगी, आम के जूस बनेगा, आम के आगे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो उससे कम से कम 1,000 रुपये की हम कम से कम एक पेड़ से वैल्यू लेकर चलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू जो देश की किट्टी में ऐड होता है। एक सर पार्टिसिपेशन की आपने बात की है, मॉडल आपने तैयार किया है, लेकिन सरकार की पार्टिसिपेशन? हाँ, सरकार ने कुछ नहीं करना, सरकार ने इसमें सिर्फ थोड़ा एनकरेजमेंट, एक रोड मैप बनाना है, एक रोड मैप बनाना है। उसमें क्या होता है कि सरकार एक तो अपनी जमीन पर, आप देखोगे सारे देश में खाली जमीनें पड़ी हैं, रोड्स के साइड पे, समुद्र के किनारे, रिवर्स के किनारे, इतनी जगह खाली पड़ी है, उसमें सरकार तो पेड़ नहीं लगा सकती, लेकिन पब्लिक पेड़ लगा सकती है। पब्लिक पेड़ लगाए, पब्लिक ही उस पेड़ की ओनर बने, जमीन के ओनर बने, उससे क्या होगा, पब्लिक को एक अवेयरनेस आएगी। अभी तो हमें ये नहीं पता कि पेड़ लगाना कैसे, जब इतने लाखों लोग पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ों में लोगों का प्रेम जागेगा और उससे क्या होगा, वो पेड़ की केयर भी करेंगे, उससे उनको इनकम भी आएगी और जनरेशन टू जनरेशन हम पेड़ लगाने का सिलसिला चलता है। आपने देखा, मैं अभी पीछे फ्रैंकफर्ट गया, ऊपर से जहाँ नीचे उतरे उसमें एक भी इंच जगह ऐसी जिसमें पेड़ ना लगा। अब भूटान की इकोनॉमी देखिए, उसको ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस बोलते हैं, और पेड़ों की इकोनॉमी है। तो ऐसे बहुत कंट्री, जब स्विट्जरलैंड किस लिए जाता है, वहाँ की ग्रीनरी देखने जाते हैं ना, तो इंडिया में ग्रीनरी नहीं है, इसलिए इंडिया में टूरिज्म में आपकी टूरिज्म फ्रेंचाइज करने के लिए कितने पेड़ होने चाहिए इंडिया में? एक इस वक्त इंडिया में 35 बिलियन पेड़ हैं टोटल, तो कम से कम इंडिया में 100 बिलियन पेड़ होने चाहिए जो इसके इको सिस्टम को सस्टेन करने। तो सभी पेड़ जो फलदार ही होने चाहिए जो आप नहीं फलदार क्या, जैसे जिसमें रेजिन निकलता है, ब्रोजा निकलता है, या साउथ में रबड़ के ट्रीज हो गए, जिस स्टेट में जैसे एप्पल के ट्री हो गए कश्मीर में, हिमाचल में, जिस स्टेट का जो ट्री हो, जो कि लॉन्ग लाइफ ट्री हो, वो लगाए जाए जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। लैंड आपने ये चीज़ बोली है, इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आएगी, आपने एक ट्री की जो लाइफ बताई है 50 से 100 साल बताई, जो शहर है वो बहुत छोटे, उनमें जगह शहरों की बात कहीं भी है, कोई भी आप किसी भी सिटीज की बात करते हो, तो वहाँ पे मान लो 5-10 साल पेड़ को लगाए हो गए और वहाँ पे कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी बनाना चाहता है, तो वो वहाँ पे एक पेड़ काटने को बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है, उसको किस तरह से इसका भी ये जो रूल एंड रेगुलेशन इसमें होगा कि पहले तो मैं पेड़ उस जगह पे लगाने की सिचुएशन दे रहा हूँ जहाँ पे जस्ट जंगल है, खाली पड़े हैं, उसमें किसी की कोई डेवलपमेंट नहीं, तो उनको रिजर्व फॉरेस्ट होता है। मैंने बताया 1/3 ऑफ द जो लैंड है फॉरेस्ट,
अभी तो उसमें इतनी स्कोप पड़ा है कि लग जैसे समुद्र के किनारे हैं, इतने पेड़ों में से वहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं होने। मैं शहर की तो बात ही नहीं अभी कर रहा, अभी तो जैसे यहाँ से दिल्ली से आप आगरा जाते हो, जो ये एक्सप्रेस वे बना है 220 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, अगर उसके दोनों तरफ पेड़ हैं तो 3 लाख पेड़ लगते हैं। और उससे क्या है कि अभी उतने इतनी हीट होता है कि कितना एक्सीडेंट होता है, अगर वहाँ पेड़ लग जाए बड़े बड़े तो उससे उससे हीट भी जनरेट होने का मानेगा। उससे क्या है कि आपको एक प्लेजेंट फीलिंग आएगा, जब 200 किलोमीटर पेड़ों के बीच में चल रहे हो तो एक आपको बहुत अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आता है। तो कितने रोड्स के किनारे हैं जिसके ऊपर आप पेड़ लगा सकते हो, तो उसको आप पहले गवर्नमेंट ऐसे प्लान कर लेगी ना कि उस पर एक्सपेंशन आगे 20-30 साल में ना हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।